क्या इप्सन मेलो का रिप्लेसमेंट चाहिए? क्या आपको लगता है कि आपका स्ट्राइकर अच्छा फुटबॉल खेल नहीं रहा है एंड यू वांट अ रिप्लेसमेंट? क्या आप मनी बैक पॉलिसी लेना चाहोगे लाइक फ्लिपकार्ट और अमेजोन? अगर लेना चाहोगे देन टुडे शो इज फॉर यू गाइस। देखो मैं तो शो के पहले ही बोल देता हूँ, मुझे अभी भी इप्सन पर विश्वास है, गेम टाइम मिलेगा, बंदा ठीक ठाक काम कर जाएगा। बट अगेन बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई अगर उनको छोड़ देते हैं, देयर इज अ चांस कि हम उनको छोड़ देते हैं, हु विल बी द गाय दैट वी विल टेक? सो हेलो कैप्टन तमाम मैन, आज के शो में आपका स्वागत है। टुडे शो इज टॉप 3 स्ट्राइकर ऑप्शंस फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। और जो लोग राइट नाउ ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं पहले ही बोल दूं, मैंने तीनों ऑप्शंस, तीन डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस लिए हैं। पहला वाला ऑप्शन जो आप देखोगे मैंने टॉप 3 करके रखा है, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इंडियन फुटबॉल में खेल चुका है, दूसरा ऑप्शन होगा सब कॉन्टिनेंटल फुटबॉल में एक जाना पहचाना नाम है, और थर्ड नाम जो मैंने फाइनली रखा है वो एक बहुत ही मेरा स्काउट किया हुआ ऑप्शन है, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका फुटबॉल, मुझे लगता है उसका फुटबॉल अच्छा, इसलिए मैंने इस लिस्ट में रखा है, बिकॉज मैं पार्ट टाइम में स्काउटिंग भी कर ही लेता हूँ। क्लब क्लब नहीं बुलाती ठीक है भाई, बट मैं खुद के लिए स्काउटिंग कर ही लेता हूँ मजे के लिए। सो आई हैव पिक 3 नेम्स, होपफुली आपको अच्छा लगेगा। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम। सो पहला नाम जो स्ट्राइकर खेल सकता है फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, जोएल चियानेजे। और जो भाई जोएल चियानेजे के बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, इंडियन फुटबॉल में जाना पहचाना नाम है, स्ट्राइकर खेल सकता है बंदा, अगर स्ट्राइकर ना खेले अटैकिंग मिडफील्डर खेल सकता है, अटैकिंग मिडफील्डर नहीं तो राइट विंग लेफ्ट विंग, बट अगेन ही इज नॉट अ टिपिकल नंबर 9। बट अगेन जुआन पेद्रो बनाली का जो सिस्टम है वहां पे वो टिपिकल नंबर 9 खिला नहीं रहे हैं, सो बेसिकली फॉल्स 9 का रोल दे रहे हैं। अगर फॉल्स 9 का रोल ही खिलाना हो, जोएल चियानेजे अच्छा ऑप्शन मुझे नहीं लगता फुटबॉल में राइट नाउ है, एटलीस्ट इंडियन फुटबॉल में तो कोई है नहीं जो फ्री एजेंट है। सो एक फ्री एजेंट मैंने रखा है, बाकी दो जो प्लेयर्स हैं दे आर नॉट फ्री एजेंट्स, उनको पैसों से खरीदना पड़ेगा। बट राइट नाउ द प्लेयर दैट इज जोएल चियानेजे, जोएल चियानेजे के पास वो सारी एबिलिटीज है जो वो नेस्टर एल्बियास से चाहते हैं। नेस्टर एल्बियास डिसेंट प्लेयर, बट अगेन जोएल चियानेजे इज मोर प्रूवन, ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड गोल स्कोरर। अपने करियर में ही हैज स्कोर 40 गोल्स, गिवन 18 असिस्ट इन प्रोफेशनल फुटबॉल। उनका बेस्ट परफॉर्मेंस वाज फॉर पर्थ ग्लोरी, बट अगेन हैदराबाद में गोल शायद थोड़े बहुत कम मारे हैं, 11 गोल और 7 असिस्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा विड्रॉल रोल था। वही कुछ होने वाला है फॉर द टीम इन द आईएसएल। यही जो जुआन पेद्रो बनाली का सिस्टम है वहां पे स्ट्राइकर नंबर 9, प्रॉपर नंबर 9 का जगह मुझे उतना ज्यादा दिख नहीं रहा, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा यू आर रिदिम तिलांग, पार्थिव गोगोई, मनवीर, आप उनको एज अ विंग बैक, एज अ इनसाइड फॉरवर्ड खिला रहे हो, नॉट विंग बैक, इनसाइड फॉरवर्ड खिला रहे हो, सो देयर इज वेरी लेस चांस फॉर एन outright striker to play. But again, don't worry, I have kept two outright option strikers as well. But again, first name is Joel Chianese, a very good technical footballer, will play as a false nine aur team ke liye acha kaam bhi karega. So ye hai pehla naam. So dusra naam, this is one interesting name jisko maine subcontinental football mein rakha hai, that is none other than Sulemana Diabate. So ye aap logo ko janna bahut zaruri hai. सुलेमाने दियाबाते ढाका मोहम्मदन एफसी के लिए बेसिकली खेलता है, जैसे इंडिया में मोहम्मदन फुटबॉल क्लब है वैसे ही बांग्लादेश में भी ढाका मोहम्मदन फुटबॉल क्लब है, सो ढाका मोहम्मदन के लिए खेलते हैं। सो बेसिकली अपना करियर उन्होंने एस्वाती में शुरू किया था व्हाइल प्लेइंग फॉर अ क्लब लाइक जोमो कॉस्मोस। जोमो कॉस्मोस वहां से, जोमो कॉस्मोस बेसिकली इज अ क्लब जो बेसिकली साउथ अफ्रीका का जो जोमो कॉस्मोस है उसका ही यूथ साइड है, सो वहां से जोमो कॉस्मोस, वहां से वो चले गए स्ट्रेट टू द कैंथो एफसी, वो वियतनामीज लीग है, वहां से लॉन्ग एन एफसी में गए, लॉन्ग एन एफसी से ढाका मोहम्मदन में आए। कब आए? 2019 के साल में। सो उनका करंट उम्र, ही इज राइट नाउ 32 इयर्स ओल्ड। सो लोग सवाल करेंगे कि भाई शोभनी तुम इतना एजेंडा करते हो कि यंग प्लेयर्स यंग प्लेयर्स, इस प्लेयर को लेने का एक मतलब है। यू गाइस वांट टू नो हाउ मच गोल ही स्कोर्ड बांग्लादेश लीग में? ही हैज प्लेड 79 गेम्स इन बांग्लादेश लीग, हैज स्कोर्ड 60 गोल्स। Yes, you are not mistaking, 60 goals and 21 freaking assists. और Bangladesh Federation Cup में 14 मैचों में 12 goals. So basically Bangladesh में 93 matches में उन्होंने 72 goals और 21 assists मारे हैं। क्या आप ज्यादा जानना चाहोगे इससे ज्यादा? और जो लोग ये सवाल करेंगे कि बांग्लादेश लीग, भाई मैं तो एक ही बात बोलूंगा, जो बांग्लादेश लीग से क्यों प्लेयर चॉइस किया बोलोगे बस सोच रहे हो, शर्म कर लो भाई, बांग्लादेश लीग फुटबॉल लीग आईएसएल क्वालिटी का ही फुटबॉल लीग है, देयर इजंट हेल एंड हेवन डिफरेंस। बांग्लादेशी प्लेयर्स और इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और बांग्लादेशी जो फॉरेनर्स ले आते हैं दे आर टॉप नॉच क्वालिटी फॉरेनर्स। हम इंडिया में देख चुके हैं सोनी नॉर्डी जैसे प्लेयर्स को, बांग्लादेश लीग में अच्छा खेला, इंडिया में आके फाड़ दिया लीग को, आई लीग को।
सो ही इज दैट गुड अ प्लेयर. जिनको रखा है द मेन रीजन मैंने सुलेमानी दियाबाते को रखा है क्योंकि ही इज एन आउट एंड आउट नंबर नाइन. एक प्रॉपर नंबर नाइन है. ही इज अ बॉक्स स्ट्राइकर. बॉक्स के अंदर रहते हैं. एंड सबसे अच्छी बात है अनलाइक इप्सन मेलो सुलेमाना दियाबाते एक ऐसा प्लेयर है जो मैच फिट है, जो करेंटली फुटबॉल खेल रहा है. ही इज वेरी फिट. हर 118 मिनट्स मतलब ऑलमोस्ट पर मैच पर 1.25 मैचेस में एक गोल करके मारता है. और अगर गोल और असिस्ट पकड़ के चलो तो एक मैच में मोर देन वन गोल प्लस असिस्ट मारता है. इफ यू वांट अ प्लेयर दिस इज द टाइप ऑफ प्लेयर दैट यू शुड पिक. एक प्लेयर जो गोल के अंदर है, टीम का लीडर है, हिज मार्केट वैल्यू इज 1.8 करोड़. मार्केट वैल्यू से जज मत करो. शायद ढाका मोहम्मदन को अगर आप 2 या 2.5 करोड़ रुपया या 3 करोड़ रुपया में ये डील सील कर सकते हो एक फॉरेनर के लिए. मैं बार बार बोलता हूँ जिस टीम के पास एक अच्छा स्ट्राइकर है वो टीम अच्छा ना होके भी बहुत कुछ कर सकता है. डिएगो मोरिचियो वॉज द प्रूव लास्ट सीजन. सो सुलेमाने दियाबाते इज माई चॉइस. अगेन ही विल बी वेरी वेरी क्रूशियल फॉर द टीम. और गाइज क्या आप गेस कर सकते हो जो नेक्स्ट प्लेयर होगा? बेसिकली एक फॉरेन लीग से होगा. यस, एशियन लीग फॉरेन लीग. किस लीग से हो सकता है? यू कैन प्रेडिक्ट इन द कमेंट सेक्शन. इट्स टोटली ओपन फॉर यू गाइस. यू गाइस कैन कमेंट. भाई कब स्टार्ट होगा? स्टार्ट प्लीज. यस शिवा प्रसाद, स्टार्ट करेंगे एंड स्टार्ट कर भी दिया है. इप्सन को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ. आप लोग ही बोल रहे हो इप्सन का सब्स्टिट्यूट निकालो, इप्सन का सब्स्टिट्यूट निकालो. सो इप्सन का सब्स्टिट्यूट निकाल रहा हूं. द प्लेयर्स दैट आई थिंक विल वर्क वेरी वेल. नंबर वन में आऊंगा. आई एम वेटिंग यू गाइस. मैं पर्पसफुली आपको वेट करा रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक यू द प्रेडिक्शन किस लीग से हो सकता है. एंड भाई थोड़ा सस्पेंस भी अच्छा होता है भाई. सिनेमा में लोग करते हैं तो वीडियो में तो हम कर ही सकते हैं. वट टाइप ऑफ प्लेयर्स लाइक इन ISL प्लेयर? ISL प्लेयर ही होगा, अच्छा ही होगा भाई. भाई आपने JFC वर्सेस MBC का रिव्यू नहीं किया. आई वॉज वेटिंग भाई कैसे करूँ भाई. एक मैच, एक बात समझ लो, जब मैं वॉच अलॉन्ग करता हूँ ना उसके बाद मैं मैच रिव्यू नहीं करता. और इसके एक बहुत बड़ा रीजन है भाई, 2 घंटे तक बात करने के बाद मेरे में एनर्जी नहीं बचती. डोंट वरी, नेक्स्ट JFC के मैच में होगा. मोस्टली मैं मोहन बगान के मैचेस की वॉच अलॉन्ग करता हूँ क्योंकि भाई वो बंगाली में मैं कर सकता हूँ. सो आई डू मोस्ट ऑफ द मोहन बगान मैचेस. ISL में अब देखूंगा करूंगा कि नहीं, बट AFC कप में तो करता हूँ. बट डोंट वरी, नेक्स्ट दिन होगा, डोंट वरी. ओगुबेचे माइट बी अनदर ऑप्शन अगर NUFC जनवरी ट्रांसफर में, क्योंकि सेकेंड हाफ में अगर उसको खिलाएंगे तो वो हेडर से गोल दे सकता है. भाई अगर आप लोग अभी भी ओगुबेचे के ऊपर पड़े हुए हो जेनिथ, मुझे लगता है ये बहुत गलत डिसीशन है क्योंकि ओगुबेचे इज राइट नाउ 38 ईयर्स ओल्ड. ही इज नॉट हिम. जैसे बंदा पहले था अब वो प्लेयर नहीं रहा. सो मुझे नहीं लगता कि ओगुबेचे एक प्रॉपर सोल्यूशन है. सो भाई लिटली इम्प्रेस्ड बाय JFC बट द स्टैंडिंग्स ब्रेक माय हार्ट. भाई ठीक हो जाएगा, डोंट वरी. ईस्टर्न को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ जॉय जीत, कुछ नहीं हुआ. यहाँ पे आप लोग हर दिन बोलते हो इप्सन को अगर रिप्लेस करो तो किसे खिलाओ, इसीलिए आज शो कर रहा हूँ. सो इप्सन जनरली सेकेंड स्ट्राइकर, उसके करियर में ज्यादा गोल नहीं है, इसीलिए आज ऐसे प्लेयर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो बहुत गोल मारता है. लेट्स सी नॉर्थ ईस्ट कैन साइन योर ऑप्शन प्लेयर्स. भाई मुझे नहीं लगता करेंगे, बट मैं उनको बोलूंगा अगर आप मेरा वीडियो रीच करा सकते हो, अगर नॉर्थ ईस्ट वालों को टैग फैक कर दो इंस्टाग्राम में, फेसबुक में टैग फैक कर दो, यूट्यूब में टैग फैक कर दो, अगर लोग देखे. क्योंकि भाई मैं ऐसा स्काउटिंग करता ही रहता हूँ, मेरा यही काम है. मैं बैठ बैठ के ऐसे देखता हूँ कि एशियन लीग में क्या हो रहा है. सो आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड टू सी. सो चलो भाई, नीतू सेइंग आई थिंक जितिन एमएस हटा के इंडियन स्ट्राइकर लेना चाहिए एंड गैलेगो इन प्लेस ऑफ इप्सन. इंडियन स्ट्राइकर लेके मुझे नहीं लगता नीतू बहुत कुछ होगा. आई अग्री विथ यू कि आप गैलेगो को ले आ सकते हो, बट मोस्टली जितिन को हटा के इंडियन स्ट्राइकर लेने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा. सो चलो भाई पहला नाम बोल ही देता हूँ. हाउ मच विल आई वेट यू गाइस? बहुत टाइम से वेट तो कराया है. सो गाइस द नंबर वन इज नन अदर देन हैमिल्टन सुआरेस. और हैमिल्टन सुआरेस के बारे में जो लोग नहीं जानते मैं बोल देता हूँ. हैमिल्टन सुआरेस खेलते हैं पोर्ट FC बोल के एक क्लब में इन द थाई लीग. और मैं फिर से फॉर द अनटीम्थ टाइम बोल रहा हूँ थाई लीग. थाईलैंड शायद इंडिया से फीफा रैंकिंग में नीचे हो, और थाईलैंड की जो लीग है वो इंडियन लीग्स है उससे 1.5 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ गुण आगे है. 10 light years आगे है, 100 light years आगे है. थाई लीग इज लाइक प्रीमियर लीग एंड वी आर लाइक द एल्बेनियन लीग. इतना ही डिफरेंस है थाई लीग और इंडियन लीग में. जितना ही थाईलैंड नीचे होना फीफा रैंकिंग में, बट द क्लब फुटबॉल इज टॉप नॉच. सो वहां पे हैमिल्टन सुआरेस खेलते हैं पोर्ट FC के लिए. हिज मार्केट वैल्यू इज 3.6 crores. ही इज जेन्युइनली अ गुड प्लेयर.
इस साल उन्होंने बेसिकली 9 मैचेस खेले हैं जहां पे 8 गोल्स और एक असिस्ट उनके नाम है, हर 94 मिनट में एक गोल मार रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर उनका पूरा करियर भी देखे, ठीक है, ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय, बेसिकली ब्राजीलियन प्लेयर, ठीक है। अगर उनका क्लब फुटबॉल देखो, प्रिंसेस ऑफ बोल के क्लब से उनका करियर शुरू हुआ ब्राजील में, वहां से वो मनाउस में चले गए इन ब्राजील, वहां से काजमा, वहां से नोंगबुआ, नोंगबुआ भी एक थाई क्लब है, थांगबुआ, बेसिकली नोंगबुआ से वो पोर्ट एफसी आ गए। बट अगेन जो लोग बोलेंगे भाई ये नाम मैंने सुना ही नहीं, भाई ये सब नाम से ऐसे ही प्लेयर्स आपको लाने पड़ेंगे, क्योंकि भाई बड़े नाम से ज्यादा ऐसे प्लेयर जो इफेक्टिव हो, दैट्स मैटर द मोस्ट। अगर उनका आप पूरा करियर देखो, ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स हु इज ब्रिलियंट। 2020 के साल में ब्राजीलियन सेकेंड डिविजन या थर्ड डिविजन में खेल रहे थे, वहां पे 11 मैचों में 8 गोल मारे। उसके बाद 21-22 सीजन में थाईलैंड की लीग में आए, बेसिकली उनका जो पहला क्लब था थाईलैंड में, वहां पे 28 मैचों में कितने 19 गोल मारे, दैट एंड्स देयर। उसके बाद पोर्ट एफसी आए लास्ट साल, लास्ट सीजन में उन्होंने 26 मैचों में 15 गोल मारे। उसके बाद इस सीजन में 9 मैचों में 8 गोल मार रहे हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेंट्रल फॉरवर्ड में उनका 79 मैचेस में रिकॉर्ड है, 50 गोल्स 11 असिस्ट, सो 61 ऑलमोस्ट 1 गोल्स पर असिस्ट पर गेम। दिस आर द टाइप ऑफ प्लेयर्स यू शुड टारगेट। एक चीज लोग भूल करते हैं, बार बार लोग यूरोपियन मार्केट की तरह चले जाते हैं, वहां से बेसिकली पोलिश सेकेंड डिविजन, फिनिश फर्स्ट डिविजन, इन सब एल्बेनियन फर्स्ट डिविजन, यहां से प्लेयर्स लाते हैं। आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट दैट, मैं उसके पूरे पूरी अगेंस्ट हूँ। क्योंकि आप अगर हैमिल्टन जैसे प्लेयर्स, देयर इज अ प्लेयर लाइक सरजीव बोल के एक प्लेयर है, थाई लीग में खेलता है, इस मार्केट वैल्यू इज ऑलमोस्ट 10 करोड़, उसको खरीद नहीं पाओगे मैं जानता हूँ। दिस आर द टाइप्स ऑफ प्लेयर यू शुड टारगेट, द उज़्बेकी प्लेयर्स, द प्लेयर्स हु बेसिकली ब्राजीलियन प्लेयर्स, ब्राजीलियन सेकंड डिविजन से, ब्राजीलियन फर्स्ट डिविजन से, इवन ब्राजीलियन सेरी आ प्लेयर्स को आप ले आके इंडिया में खिला सकते हो, द मार्केट वैल्यू इज सो लेस, दिस आर द प्लेयर्स। और जो लोग उनके बारे में नहीं जानते हैमिल्टन के बारे में, हैमिल्टन इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। अगर एक प्लेयर के साथ उनको कंपेयर करूं, यूट्यूब में है भाई, मुझे विश्वास करने की जरूरत नहीं भाई, मैं बुरा बंदा भी हो सकता हूँ, झूठ भी बोल सकता हूँ। हिज गेम इज वेरी 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 सिमिलर टू समवन लाइक अ कोरोमिनास। कोरोमिनास और उनका गेम, यस हैमिल्टन थोड़ा हेयर कम है, सो कोरोमिनास की तरफ पूरा पूरी तो नहीं है देखने में, बट द फुटबॉलिंग स्टाइल आर वेरी सिमिलर। पेस है, बहुत अच्छा फिनिशिंग है, एंड इवन कोरोमिनास से ज्यादा अच्छा इसका हेडिंग है भाई, इज एन आउट एंड आउट नंबर 9, इसमें कोई डाउट नहीं है। दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लेयर्स यू वॉन्ट इन द लीग। जाके बार बार वही यूरोप के घिसी पिटी लीगों से प्लेयर लाके कोई फायदा नहीं है, गेट समवन लाइक दिस भाई। मैं ऐसे 5-10-15 प्लेयर्स के नाम बोल सकता हूँ फ्रॉम थाई लीग, मलेशियन लीग, मालदीव्स लीग, टॉप टॉप क्वालिटी प्लेयर्स आर प्रेजेंट देयर। हैमिल्टन इज जस्ट एग्जांपल। अगर हैमिल्टन का फुटबॉल आप देखो, सुलेमान दियाबाते का फुटबॉल आप देखो, यू विल अंडरस्टैंड कि इंडिया के आसपास ही कितने सारे अच्छे फॉरेन ऑप्शंस हैं, और इन ऑप्शंस का फायदा क्या है, ये एशियन क्लाइमेट को बहुत अच्छे से जानते हैं। वी हैव सीन प्लेयर्स लाइक गिकीविच, जो बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, इंडिया में आके चला नहीं, वाफा चला नहीं, दीज आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड फुटबॉलर्स। इवन आर्मांडो सादिकु मैं जो नाम आज बोल रहा हूँ, तीनों ही नाम से बहुत ऊंचे दर्जे के प्लेयर है, बहुत। जोएल चियाने, सुलेमान दियाबाते, हैमिल्टन, तीनों को मिला के भी उनसे अच्छा प्लेयर है सादिकु, बट चल नहीं रहा बिकॉज ही इज एक्लेमेटाइजिंग टू द क्लाइमेट। डोंट बाई प्लेयर्स हु नीड एक्लेमेटाइजिंग टू द क्लाइमेट। हैमिल्टन सुआरेस इज द नेम, दैट इज माई फर्स्ट पिक हियर, टॉप नॉच प्लेयर विद इनसेन एबिलिटीज। येस आई एम डूइंग गुड साहिल, होपफुली यू आर ऑल्सो डूइंग गुड एज वेल। Is there any Japanese or Chinese player available? Japanese तो available है, but that will cost way lot of money and Northeast are not big spenders. मैं वो भी दिमाग में रखा हूँ। सुलेमाने दिया बातें को आप 2.5 करोड़ से खरीद सकते हो, and as for Hamilton 3.6 market value भी है, but again Thai clubs generally sell cheap, so you can also buy if you want buy. भाई Gabriel and Castaneda Munoz भी ले सकते हैं, Gabriel और Castaneda Munoz ले सकते हैं, but the problem is क्या लेंगे, क्योंकि मैंने जो नाम रखा है आपके सब नाम्स भी अच्छे हैं, देयर इज नथिंग लाइक दैट, बट द प्रॉब्लम इज क्या लेंगे, बिकॉज दे शुड गो इन द मार्केट एंड बाय मोर प्लेयर्स फ्रॉम द आसपास वाले लीग्स। आई डोंट केयर व्हाट स्ट्राइकर गोल इन हिज करियर, इफ ही गोल फॉर अस देन वी हैप्पी फॉर आवर फैमिली और बॉस हैप्पी। जीके विजयदास, ये एक गलत सोच है। अगर आप प्लेयर का ट्रैक रिकॉर्ड ना देख के प्लेयर खरीदो तब प्रॉब्लम है, देखना पड़ेगा कितना स्ट्राइकर कहाँ पे गोल मारा है, अदरवाइज समझोगे कैसे स्ट्राइकर कैसा है। इंडियन फुटबॉल में अगर मैं जोएल चियानेसे के बारे में बात करूं, जोएल चियानेसे ने अपने करियर में 198 मैचेस में 40 गोल्स मारे हैं, बट बेसिकली इज अ फॉल्स नाइन, सो यू विल जज हिम बाय दैट सेंस।
उसके बाद मैंने एक प्लेयर देखा था, आई विल नॉट नेम द प्लेयर, आईएसएल में क्लब में खेलता है राइट नाउ, ही इज नॉट, ही इज प्लेइंग डिसेंटली राइट नाउ. उसका करियर, करियर इज माने उसका जो करियर सीबीआई इज प्रीटी बैड एंड ही इज स्टिल एक्लेमेटाइजिंग टू द इंडियन फुटबॉल. तो आप समझ सकते हो इंडियन क्लब्स बेसिकली एजेंसीज और इन सब से चलता है मोस्टली. आई डोंट नो हाउ दे स्काउट, उनका स्काउटिंग सिस्टम है कि भी नहीं. स्काउटिंग सिस्टम बनाना चाहिए भाई, देयर आर सो मच ऑफ टैलेंट आसपास में, इवन इवन इफ पॉसिबल बाय थाई प्लेयर्स, बाय उज़्बेकी प्लेयर्स, बाय मलेशियन प्लेयर्स. सुनील छेत्री सर जैसे एक इंडियन होके भी बेसिकली यूरोप के किसी लीग में खेल सकते हैं. द सेम देयर आर सर्टेन थाई प्लेयर्स और मलेशियन प्लेयर्स हु आर टू गुड फॉर देयर लीग, दे कैन कम एंड प्ले एट आईएसएल. दीज आर द टाइप ऑफ स्काउटिंग यू वांट योर टीम टू डू भाई. ओमर मानुमूश अगेन अ वेरी गुड नेम जॉयजीत, बट अगेन खरीदेंगे कि नहीं देखना पड़ेगा. इप्सन ही ठीक है, उसे गेम टाइम देना पड़ेगा भाई. मैं तो हूं ही भाई, नाम नहीं बोलूंगा, सिंगल 07 दूसरा वर्ड बोलूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा. बट ट्रूथ अगर मुझसे पूछो, मैं तो किसी को नहीं खरीदूंगा, मैं तो इप्सन मिलो को ही खिलाऊंगा. खिलाऊंगा सिर्फ नहीं, गेम टाइम भी दूंगा. ये बंदा क्लिक करेगा, ये बंदा एशियन लीग में खेल चुका है, ये बंदा अच्छा फुटबॉलर है. पीपल आर गेटिंग वे टू मच इम्पेशेंट विथ हिम. सो मैं तो इप्सन को खिलाऊंगा. आई स्टिल थिंक इप्सन हैज अ वेरी वेरी गुड चांस भाई. एनी इंडियन स्ट्राइकर पर इप्सन को रिप्लेस करूंगा भाई. इंडियन स्ट्राइकर राइट नाउ मार्केट में डेविड है, डेविड लालम सांगा फ्रॉम मोहम्मदन स्पोर्टिंग. मोहम्मदन नहीं बेचने वाली, एज इजी एज दैट. आईएसएल के किसी क्लब को मोहम्मदन इस प्लेयर को बेचने नहीं वाला है. और अगर ये बंदा फॉर्म में रहता है, मोहम्मदन विल मोस्ट प्रोबेबली पे आईएसएल, तो तब और भी ज्यादा नहीं बेचेगी. देशॉन ब्राउन अब एक फुटबॉल क्लब में खेलता है भाई, दे आर नॉट सेलिंग हिम. निहाल थैंक यू फॉर कमिंग बैक. बट गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा. बट अगेन जाने से पहले भाई सब्सक्राइब कर लो भाई, कितने बार बोलूंगा भाई. अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब एक ऐसा टाइम आ चुका है ना, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे रीच नहीं बढ़ रहा भाई. आई वॉन्ट दिस वीडियो टू रीच मेनी मोर पीपल. इतने टफ इतना काम करने के बाद अगर वीडियो में देखो भाई, वीडियो सब्सक्राइब करना फ्री है. इट्स नॉट दैट कि मैं पैसा कमा रहा हूँ उससे, बट द प्रॉब्लम इज अगर आप लोग हमें सब्सक्राइब करोगे और भी ज्यादा चैनल का रीच बढ़ेगा एंड इट विल रीच मोर पीपल. एंड दिस इज द थिंग आई वॉन्ट मोर पीपल टू सी द वीडियोज, ताकि इंडियन फुटबॉल के ऊपर इंटरेस्ट बढ़े. If Indian football अब ना आगे बढ़ सका, it will be very tough in the next few years. We need more fans, भाई. Ipswich को game time देना चाहिए. बस मैंने उसका game देखा था JFC के, उसका runs अच्छा है. Absolutely, भाई. Confusion में रख दिया भाई. कौन सा confusion ध्रुवज्योति? वो तो बोल लो. पार्थिव के बारे में कुछ बोल दो भाई. Talented player है, talented बंदा है. इससे ज्यादा क्या बोलू, बहुत सारी तारीफें कर चुका हूँ, वीडियो देख सकते हो. लॉट ऑफ प्रेज हैव बीन डन. बट गाइज इतना ही, फिर मिलूंगा. दो अच्छे वीडियो छोड़ के जा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट के बारे में. सी दिस टू वीडियोस, यू विल लर्न मोर अबाउट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी. तो चलो भाई टाटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो. सो अंटिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम आम बैंड.